to my channel. कैसे आप सब, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशी से खैर आफियत होंगे जी। बहुत दिन बाद आप लोगों से मुलाकात, क्योंकि मैं कह रहा था कुछ ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें आपको मज़ा तो नज़र आए लेकिन साथ थोड़ा सा कोई मैसेज भी मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। तो जी आज मैं हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज़ वेल, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का मैसेज हो जाए सबसे पहले आपको मौसूल। ठीक है, तो लेट्स फ्लाई टू द वीडियो। तो आज की जो मेरी वीडियो है जी, उसके बारे में थोड़े पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं, क्योंकि आई एम अ बिग फैन ऑफ गैजेट्स, मोबाइल्स का मैं बहुत फ़ैन हूँ। मुझे कोई नया फ़ोन मार्केट में आ जाए हाथ पांव फूलने लगते हैं। अब जब मैंने फ्रेंड्स से बात की तो घर में बात की, मुझे सब लोगों ने कहा कि तुम ये फ़ोन कंसीडर कर रहे हो या पसंद कर रहे हो लेकिन तुम मत लेना, क्योंकि जब तुम लोगे तो तुम अगले ही घंटे पछताओगे तुम, क्योंकि तुम्हें आदत नहीं है। हम सैमसंग से उठ के वीवो या हवावे या ओप्पो पे जाओगे तो तुम्हें नहीं मज़ा आएगा। तो मैंने जब उसका, सच बात आपको बताऊं, फ़ोन पसंद करने का लेने का मकसद उसका कलर था, खूबसूरती थी। तो मैंने कहा नहीं, ये फ़ोन तो मैंने अब लेना है। अब मेरे पास कोई प्रोफेशनल टेबल नहीं है कि मैं कैमरे का रुख मोड़ के खोल के दिखाऊँ। आपने वो वाले रिव्यू देखने भरे पड़े हैं इंटरनेट पर, आप देख लें, और अगर मेरी वीडियो देखी तो फिर यही सिंपल चीज़ है। तो जी बॉक्स तो मैंने, बड़ा जोर लग रहा है, ऐसे खोला तो इसके सबसे ऊपर है ये कवर। ये क्या, ये देखते हैं हम इस कवर में क्या। तो इसमें है जी एक वीवो की तरफ से आई गैस के प्रोटेक्शन कवर। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब नया नया फ़ोन आता है तो आपको नहीं मिलता ऊपर। इसके बाद ये इनवॉइस है, ये इसकी पूरे 50,000 रुपये की देख लें आप, ठीक है। और जो आप लोग टैक्स वगैरह पे करते हैं उसका कोई चक्कर ही नहीं है, वो कोई मेंशन ही नहीं है, चले है। इसके बाद ये बुक निकल रही है, बुक में क्या, अहम मालूमात और वारंटी कार्ड। मुझे ये बात वीवो की बहुत अच्छी लगी कि पाकिस्तानी कंपनी है तो उन्होंने उर्दू में रखा अपना बुक कार्ड, भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको पढ़ना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझता। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो इसमें है मेन डिवाइस। हाय, ये कलर, एक कलर की वजह से देखिए मैंने क्या कुछ किया। अच्छा, अब फोन को कर लेते हैं बूट ऑन, ठीक है, फोन को करें बूट। अब ये देखिए आप, तब तक जब तक फ़ोन ऑन होता है मैं आपको दिखाता हूँ इसकी वेरिएशन, देख रहे हैं आप, ऊपर से लाइट स्काई ब्लू, दरमियान में बिल्कुल प्योर वो जो बादलों का कलर होता है वो वाला स्काई वाइट सा, और उसके नीचे पिंक पर्पलिश सा शेड आ रहा है, ठीक है। तो ये अब आपको पता चल गया, ये थी वो वजह कि जिसकी वजह से मैंने ये फ़ोन लिया, ठीक है, देख लें, ठीक है। अब फ़ोन डिवाइस होगी ऑन, इसको करते हैं एस। अच्छा, इसमें मैंने अपना रात को वो जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो डाल ली। अच्छा जी, पहले मैं आपको दिखा दूँ कि डब्बे में बाकी क्या रह गया। ये है डब्बे में इसका चार्जर, काफ़ी हैवी है, किसी सर पर मारूँगा तो सर फट जाएगा। ये इसकी केबल, डाटा केबल, और ये है जी एयरफोन्स, ठीक है। ये बाकी भी में कुछ भी नहीं है, देख लें आप लोग कैसे कहते हैं। अच्छा, तो डिवाइस कर ली मैंने ऑन, तो जी डिस्प्ले देख लें कुछ यूं करके है, 6.38 इंच आई गैस, और बड़ा स्मूथ टच है। मुझे ये भी डर था कि पता नहीं सैमसंग के अलावा मुझे किसी का टच समझ आएगा कि नहीं। फ्रंट कैमरा इसका 32 मेगापिक्सल है, जो मेरे ख्याल से एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है, लेकिन मैंने जब फ़ोन का कैमरा यूज़ किया तो मुझे कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं लगा। फ़ोन तो बहुत अच्छा है, बैटरी इसकी जी 4500 mAh है, ठीक है। तो बैटरी है यकीनन एक बड़ी बैटरी है, चार्ज करके आपको बताऊंगा। मैंने सुना है कि तकरीबन 1.5 घंटे में ये डिवाइस चार्ज होती है और काफ़ी देर चलती है उसके बाद। और जैसे कि आप, इसके विजुअल्स ग्राफिक्स मुझे अच्छे लगे हैं, टच बहुत स्मूथ है शुक्र अल्लाह का, क्योंकि बाकी जितने भी आज तक मैंने इर्द गिर्द के फ़ोन देखे हैं वीवो हवावे ये वो, तो उनका टच इतना अच्छा नहीं होता था, लेकिन इस फ़ोन का टच बहुत अच्छा है। कैमरा मैंने आपको बताया कि मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं है, बाकी जितने जो ग्राफिक्स हैं इसके, जो स्टाइलिंग है वो सारी आईफोन जैसी है, तो थोड़ी सी मुझे मुश्किल पेश आ रही है यूज़ करते हुए तो, लेकिन फिर ये है कि 2-3-4 दिन में आदत पड़ जाएगी मुझे। पर ओवरऑल इट इज़ अ गुड फ़ोन। अगर कैमरे का रिजल्ट आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, अभी बिल्कुल मैं दिखाता हूँ कि आपको पता चल जाएगा। हेलो,
तो ये है जी मेरा न्यू फोन, और आप लोग को दिखाने का ये कोई रिव्यू शिव्यू नहीं था, बस आप लोगों से शेयर किया कि मैंने न्यू फोन अपना ले लिया है। और आप लोगों को बताने का ये मकसद तो सिर्फ कि कोई जरूरत नहीं है कि अगर आप एक ब्रांड पे चल रहे हैं, एक जगह पे चल रहे हैं, तो आप उसके पीछे ही भागें, कोई जरूरत नहीं है फजूल में तंगी या परेशानी लेने की। एक नॉन वर्थेबल डिवाइस खरीदने के लिए मुश्किल आगे पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने भी ये फैसला किया कि अपनी जिंदगी को आसान बनाएं, ऑल्टरनेट देखें क्या है चीज़ों के, जो चीज़ आपको फैसिनेट कर रही है उसका ऑल्टरनेट देखें क्या है। अब मैं 2.5 लाख का फोन नहीं ले सकता था, तो मैंने ये 50,000 का फोन ले लिया, मैं इसी से खुश हो गया कि एटलीस्ट मेरे पास, देखें इसका जो इसकी जो फील है ना, कि इसका कलर है ना, तो आप लोगों से मुलाकात होती है अगली वीडियो में। दिल रहन रखे अपना, बहुत सारा ख्याल, मुझे रखे दुआ में याद, जैसे मैं रखता हूँ सबको अपनी दुआ में याद। दिस इज मी अरसलान निसान साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज।